हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ इंदौर की चटर। भैया आज हम आ चुके हैं इंदौर की सबसे ट्रेंडिंग जगह, सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक, वो है फिनिक्स मॉल। फिनिक्स मॉल इंदौर में खुला, और ऐसा खुला कि जैसे यहाँ पे सारी चीजें फ्री में बट रही हो। हाँ। पूरा इंदौर भगा भगा यहाँ आ गया, सारे रास्ते बाईपास जाम हो गए। हम भी आए हैं और ये जो माहौल है देखते बनता है कितना अच्छा है, क्या लग रहा है, कैसा होगा। बाहर से तो बहुत शानदार दिख रहा है, बनाया भी बहुत अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा बनाया है। और मैंने सुना है कि इंडिया में जितने भी ब्रांड्स नहीं आ रहे थे अब फिनिक्स मॉल की वजह से आने लगे हैं। भैया अपन थोड़ी सी पार्किंग में खड़े हैं, जल्दी से अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कैसा है मॉल। बहुत मजा आएगा, बिना स्किप करे देखना और बताना आपको कैसा लगा। मॉल का एड्रेस अगर आपको नहीं पता है तो अभी बता देता हूँ भैया, ये है देखो चिकुबिया सामने बाईपास है, मतलब ये बाईपास बिल्कुल लग नहीं रहा है कि बाईपास है। यहाँ पे कल परसों चार दिन से जाम ही लगा हुआ है, मैं भी जाम में अटका हुआ था। खैर ठीक है, अब जोक सपाट, भीड़ देखो सबसे पहले तो इधर, क्या बात है यार। मतलब सेंट्रल इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल है ये, और यहाँ पे आपको जो जो चीज़ें मिलती है भैया वो अभी तक एमपी में नहीं थी, इंदौर में नहीं थी। यहाँ पे आईनॉक्स खुला है, आईनॉक्स में कुछ अलग अलग चीज़ें हैं जो शायद इंडिया के सबसे बड़े थिएटर्स में से कुछ एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे मैंने सुनी थी, ऐसा कुछ भी है। यहाँ पे अलग अलग ब्रांड्स हैं, यहाँ पे खाने के ऐसे ऐसे ब्रांड्स हैं जो इंदौर में नहीं थे, जैसे अपना हल्दीराम्स हो गया या ऐसे बहुत सारे कुछ ब्रांड्स हैं। अंदर चलेंगे, सारे ब्रांड्स के बारे में बताएंगे और टेस्ट करेंगे कैसा है खाना, अगर मौका मिला तो, भीड़ नहीं हुई तो। बाकी आप मज़ा करो, इन्जॉय करो। लिखा है नो हॉल्टिंग, अरे सब मतलब रुकना मना है, और हम यहाँ रुक के बढ़िया से शूट कर रहे हैं। यहाँ पे कोई अभी व्यवस्था कुछ भी नहीं है, भीड़ देखो। अरे एंट्रेंस एक ही है इसलिए इतनी भीड़ है, अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसा है मॉल। हाँ, बाकी एरिया वाइज बहुत बड़ा है, आईनॉक्स है, H&M है, लाइफ स्टाइल है, वेस्ट साइड है, पैंटलून है, जिससे कपड़े खरीदना उससे खरीद सकते हो, और क्या क्या है देखते हैं, और भी देखते हैं। यहाँ पे फाउंटेन्स बहुत अच्छे अच्छे बना के रखे थे, यहाँ पर वैसे ही फाउंटेन बंद हो गए। चिकुबिया बस गलत तो नहीं किया ना अपन ने? नहीं। तो बस अंदर चलते हैं, कैमरा बंद करते हैं, एंट्रेंस से अंदर जाके मिलते हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। तो फाइनली फिनिक्स मॉल के अंदर आ चुके हैं, और ये जो एंट्रेंस है, ये वाली एंट्रेंस को देखता हूँ, ये एंट्रेंस बहुत छोटी है, बेस्ट एंट्रेंस है, आई थिंक ईस्ट एंट्रेंस भी होगी यहाँ पर। यार मेरे को जो चीज़ अपन इंस्टाग्राम पे देखते थे द सोल्ड स्टोर, उसका आउटलेट आने वाला है फिनिक्स मॉल। मतलब कस्टमाइज हुडीज, कस्टमाइज टी शर्ट्स, कस्टमाइज फोन केस, बिल्कुल सारी चीज़ें आपको मिलेगी द सोल्ड स्टोर पे। बहुत अच्छी जगह, ऑनलाइन खरीदारी आपने भी करी होगी यहाँ से कभी ना कभी। तो अभी एक चीज़ यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊँ ना, मॉल इतना बड़ा है कि यहाँ पे तीन फ्लोर है शायद, एक फर्स्ट है, एक ग्राउंड है, एक अंडरग्राउंड, ऐसा कुछ तो भी है। खाने पीने के दुनिया भर के सारे ब्रांड्स हैं, कपड़ों के दुनिया के सारे ब्रांड्स हैं, गेम जोन भी एक है यहाँ पे, और शायद दो तीन और खुलने वाले थे। एक सामने भी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, फैमिली एंटरटेनमेंट, कोई सेल्फी जोन या कुछ बनने वाला है। अब पूरा एक्सप्लोर करते हैं, जितना हमको लगेगा कि अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाने लगेगा आपको पूरा दिखाएंगे। बचपन में बहुत डर लगता था इन सीढ़ियों पर। बचपन में क्या, मेरे को तो अभी भी डर लगता है। जैसे यहाँ पे जेके एंड जोन से ओनली है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ ऐसा वेल नोन, अच्छा चीकू भी है यहाँ पे, हल्दीराम्स, मैकडोनल्ड्स भी है, क्या बात है यार, और बर्गर किंग और KFC और टाको बेल भी है। जैसे तुम भी बता रहे थे यार, हाँ जैसे दो फ्लोर का मॉल है। हाँ, ज़्यादा फ्लोर्स नहीं है यहाँ पे, बाकी लेंथ वाइज बहुत बड़ा है, बहुत। हाँ हाँ चीकू भी, आप जल्दी से जाके पूछ के आओ कि यहाँ पे IMAX 3D है कि नहीं। तो बहुत शानदार रहा, अगली जो भी मूवी आएगी IMAX 3D वाली वो यहीं देखेंगे। ओहो हो हो हो, इधर भी कुछ है, ज़रा यहाँ भी देखें क्या है। कुछ नए कैफेज़ इंदौर के लोकल यहाँ पे खुलने वाले हैं। हम यहाँ पे इंदौर की बाकी जनता की तरह सिर्फ घूमने नहीं आए हैं, यहाँ पे आए हैं तो कुछ अच्छा करेंगे भी सही। यहाँ के गेम जोन में जाएंगे, सिर्फ फ्री में घूमने नहीं आए हैं, और एक अलग व्लॉग भी आएगा आपको टाइम जोन का, जो यहाँ देखने को मिलेगा। अगर अपलोड हो चुका है तो आपने देख लिया, नहीं हुआ है तो आप देखेंगे, वो चेक कर लेना एक बार यूट्यूब चैनल पर। टाइम और शिकुबिया, खाने पीने का काउंटर सामने आ गया है, मतलब अपन जहाँ पहुँचे वहाँ खाना ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। सामने मेरे को दिख गया है वाव मोमोस करके कोई तो भी ब्रांड है, और ये क्या खुल रहा है, पिज़्ज़ा हट खुलने वाला है चिकू भैया, ईट टाइगर करके कोई तो भी ब्रांड है, ये भी आ रहा है, फैट टाइगर, ओके ईट टाइगर नहीं फैट टाइगर। पिछले कुछ दिनों मैंने देखा कि KFC ने मैगी के साथ कुछ स्टार्ट करा है, तो यहाँ पे भी KFC खुल रहा है, तो कभी ट्राई करना हो मैगी के साथ चिकन या मैगी के साथ वेज, तो आप यहाँ के खा सकते हैं, वो भी KFC की तरफ से, पेड प्रमोशन नहीं है ये।
यहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड जैसे एलन सॉली भी है जिसका शर्ट चिकुबिया पहनते हैं, ऐसा बोल रहा था मुझे, मेरे को लगा मैं अभी एलन सॉली पहन के आया हूँ पर नहीं पहना था। देखा बोला किसने चिकुबिया पहनते पर पहन के कौन आया? अपोलॉजीज। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा अभी हम लोअर ग्राउंड पे ना अभी हम लोग, अब एग्जैक्टली यार याद नहीं है हाँ, पर सबसे नीचे वाले फ्लोर पे इतना बोल सकते हैं। पीटर इंग्लैंड भी आ गया यहाँ पे, पीटर इंग्लैंड भी एक अच्छा ब्रांड है जिसके कपड़े बांग्लादेश में बनते हैं। ये कॉर्नर थोड़ा सा बहुत अच्छा लग रहा है चिकुबिया हाँ, क्योंकि यहाँ पर भीड़ नहीं है। हाँ यहाँ पे भीड़। अच्छा एक कॉशन और देना चाहूँगा मैं, अगर अभी फिनिक्स मॉल में आ रहे हो तो मत आओ, और आ रहे हो तो पोस्टपोन कर दो आने का, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है जो बाईपास है अपना वहाँ पर, और कम से कम एक डेढ़ घंटा अगर आप कार से आओगे तो आपको लग जाएगा। टू व्हीलर से आ रहे हो तो टू व्हीलर से आ जाओ चिकुबिया। ओहो यहाँ पर इंस्पायर खुलने वाला है, और मिक्कू जो अपना नेक्स्ट आईफोन लेने वाला है वो यहीं से लेगा। एक चीज़ और मैंने नोटिस करी है, जहाँ पर ज़्यादा भीड़ है ना वहाँ पर थोड़ा बहुत सफोकेशन आपको यहाँ पर फील होगा, बाकी एसी और सारी चीज़ें अपनी एकदम पीक में चल रही है। अब हम लोग जाएंगे ऊपर, नीचे भी है पहले ऊपर जाएंगे। यहाँ पर शॉपर स्टॉप बन रहा है अभी, शॉपर्स का स्टॉप बोलते हैं जिसको। यार एक चीज़ मैंने एक तो नोटिस करी है, यहाँ पर इसे ऊपर दिखाओगे ना हाँ, तो हर जगह बहुत ही बढ़िया बढ़िया झूमर लगे हुए हैं, और जो मेन झूमर है वो आई थिंक पेपर में भी आया था 15-20 लाख रुपए का एक झूमर है। ये ब्रांड का सिर्फ नाम ही काफ़ी है यहाँ पे। इस ब्रांड का अगर आप एक हाई नेक का टी शर्ट लेने जाओ तो वो आता है 9-10 हज़ार रुपये का, एक गाड़ी आती है 3-4 लाख रुपये की। बिल्कुल, तो अगर कभी लगता है ज़्यादा पैसा हो तो आके ले लेना। गो जल्दी, इतने ध्यान से अगर कभी स्कूल का सिलेबस देखा होता तो आज क्लास टॉप कर ली होती मैंने भी। क्या बात है यार, इतना बड़ा मैप है, इतना सारी चीज़ें, इतने सारे ब्रांड्स है, इतना बड़ा फूड कोर्ट है, समझ नहीं आ रहा मॉल में करो क्या। और यहाँ पे ना मेजॉरिटी 99% लोग होकते आए जो इंदौर की एक भाषा में बोलते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, जो घूमने आ गए हैं। हम भी उनमें से एक नहीं है क्योंकि हम अपने काम से आए हैं। कुछ ब्रांड्स के शूट हम यहाँ पे करने वाले हैं जिनके व्लॉग आपको चैनल पे देखने को मिलेंगे, तो कुछ अच्छे ब्रांड्स यहाँ पे देखते हैं जैसे बहुत सारे हैं। सहूलियत हो जाएगी आपको एक अगर आप यहाँ आके ये फूड कोर्ट पर अगर आप यहाँ के मैकडॉनल्ड्स में एक चीज़ अच्छी मिली, यहाँ पे एक ऊपर मैकडॉनल्ड एक नीचे मैकडॉनल्ड्स है। ये वाले मैकडॉनल्ड्स में कैसा है ना, जो पूरा इंटरनेशनल एक जो ट्रेडमार्क है भैया कि आप अपना खुद का ऑर्डर खुद दे सकते हैं मैकडॉनल्ड्स पे, जैसे आप देख सकते हैं सामने वो जो स्क्रीन्स लगी रहेंगी उसके ऊपर आपको जाके सिलेक्ट करना है अपना ऑप्शन, वहीं की वहीं पेमेंट होगा और आपका ऑर्डर रेडी होकर अपने आप आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो इंदौर में आई है, मतलब एक इंटरनेशनल लेवल का स्टैंडर्ड इंदौर में आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल यार, बाकी मॉल तो बहुत शानदार है यार, अभी तक जितना घूमा है बहुत अच्छा लगा है। मेरे को इसमें एक्सपर्टीज़ है कि नहीं है? इसमें भी मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है इसलिए आई एम आउट ऑफ दिस ब्रांड, पर मेरी इसकी गोल्ड मेंबरशिप चालू है। ये है बढ़िया सा मार्केट 99, एक ऐसा ब्रांड जहाँ पे आपको सारी घर की वस्तुएं, घर सजाने की वस्तुएं, घर में रखने की वस्तुएं सिर्फ 99 रुपीज़ के नीचे की ही मिलेंगी, उसके ऊपर तो कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कुछ अच्छा खरीदना तो यहाँ आके आप खरीद सकते हैं एक बार। यहाँ पर ऐसे ऐसे खाने के ब्रांड्स आए हैं, अपन इंदौर चटोरे हैं तो भैया खाने का ज़्यादा फोकस रहता है, जो कि मेट्रो सिटीज से उठकर आए हैं, जल्दी से वो चीज़ भी एक्सप्लोर करेंगे। सबसे बड़ा कंफ्यूजन कि भैया एग्जिट कहाँ है, मतलब इतना बड़ा मॉल है कि इतना घूम ली समझ ही नहीं आ रहा एग्जिट किधर गया। यहाँ पे लिखा हुआ है महरबा इंदौर, और जो सर्व करने वाले हैं वो यहाँ के हैं बाहर के, ऐसा मिक्स है अभी तो फिलहाल यहाँ पे, क्योंकि जो ब्रांड है बड़ा बड़ा ग्लोबलाइज ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड है, और इंदौर में खुला। ये देखो वैसा करेक्टरिस्टिक में कैसा वो बेल बजाते ना, जो कल्चर है वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। चिकू भैया इस पर अपनी टिप्पणी दीजिए जल्दी से आके। यार ये टाको बेल, मतलब टाको थोड़ा अलग डिश होती है जो कि हमने एक दो बार ब्लॉग्स में बताई है, अगर आपको पसंद है तो यहाँ पर टाको बेल भी खुल चुका है जो कि सिर्फ मेट्रो सिटीज में था। एक सेकेंड सब्सक्राइबर, कैसे लगते हैं आपको वीडियोस? अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चिकू भैया तरक्की पे हैं आप, आपके वीडियोस पसंद किए जा रहे हैं हमारे हमारे ठीक है, बहुत ओके लगा, थैंक यू, सेम हियर। तो क्या बोल रहा था आपने मेरे को, थैंक यू। टाको बेल है यहाँ पर, बहुत अलग अलग वैराइटीज़ के टाकोस मिलते हैं, एक नई डिश है इंदौर के लिए, तो ये चीज़ भी एक बार ट्राई करना बनती है। तो जिस काम के लिए हमें आए थे टाइम जोन के लिए तो वो हमको मिल चुका है यहाँ पे। अब जल्दी से इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, तब तक वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। फिनिक्स आओ तो थोड़े दिन बाद आना, क्योंकि ट्रैफिक में अटक जाओगे तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा वो एक्सपीरियंस। सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और आके मैकडी में खाना ना भूलें। फूड कोर्ट की
की बात अगर मैं करूँ ना एक अरे रूम जा मत कर देता हूँ एक बार यहाँ का फूड को चालू कर रहा है।